का ये मेरा लास्ट व्लॉग है, तो 31st में अगर आप लोग नैनीताल आना चाहते हैं तो अपने होटल पे पहले ही चेक कर ले कि पार्किंग की फैसिलिटी है या नहीं, वरना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है लगभग 11:30। ये सामने भीमताल से आने वाली रोड, और इधर सामने ये रोड जाएगी सीधे नैनीताल के लिए। तो अभी मैं हूँ भूमिधार पे, यहाँ से नैनीताल लगभग 7 किलोमीटर और रहता है। तो चलिए चलते हैं हम नैनीताल की तरफ। और ये दूर सामने यहाँ पर दिखाई देता है हल्द्वानी, पर जो धुंध है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं है। और ये दिसंबर का लास्ट वीक है, और ये सामने नैनीताल है छोटा सा दिखाई देता हुआ। तो मौसम आप देख सकते हैं अभी काफ़ी ठंड है नैनीताल में। और आगे चलते हैं और जानते हैं आज नैनीताल के वेदर के बारे में, 31 दिसंबर को यहाँ स्नोफॉल होने की क्या चांसेस हैं इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर आने वाले नए साल में कैसा वेदर रहने वाला है। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और व्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। हम पहुंच चुके हैं नैनीताल तलीताल पर, और टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12:30। और अभी का जो टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है वो हो रहा है लगभग 13 डिग्री सेल्सियस। और ये आप देख सकते हैं ये सामने नैनीताल का पूरा एरिया, और ये ऊपर है चाइना पीक। तो आप देख सकते हैं वेदर अभी, तो अभी तो वेदर की कंडीशन ऐसा है कि हल्के बादल लगे हुए हैं, और अभी जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ ये सामने इधर है पुराना जो आपका रोडवेज स्टेशन। अभी हम हैं नैनीताल बोट स्टैंड पर, और भी आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है। तो ये लास्ट वीक है इस मंथ का और लास्ट वीक है इस साल का, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी चहल पहल है। जो टूरिज्म है वो काफ़ी अच्छा खासा है आजकल, इवन क्रिसमस से ही यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है जो आपके 31 तक रहने वाली है। 31 के एक दो दिन तक ये चहल पहल रहेगी। और वेदर आप देख सकते हैं अभी हल्के बादल लगे हुए हैं, और टेम्परेचर अभी है 10 डिग्री सेल्सियस, और रात को करीबन जा रहा है 1 या 2 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर 31 में भी स्नोफॉल होने के चांसेस कम ही हैं, हो सकता है न्यू ईयर के बाद ही यहाँ पे स्नोफॉल होने के चांसेस बने। और बाकी आप देख सकते हैं टूरिज़्म जो है काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। तो अगर आप लोग 31 के टाइम पे नैनीताल आना चाहते हैं तो पहले से ही अपनी जो बुकिंग है होटल की बुकिंग वो चेक कर लें कि वहाँ पार्किंग है या नहीं। अगर आपके होटल में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है तो आपको कुछ किलोमीटर दूर नैनीताल से रोक दिया जाएगा, और वहाँ से आपको शटल सेवा के थ्रू नैनीताल आपके होटल तक पहुँचाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप सामने काफ़ी चहल पहल है। तो जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे जो है बोटिंग कर रहे हैं, वैसे ही बाकी जो नैनीताल के टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो स्पॉट हैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी चहल पहल है, जैसे कि आपका स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, और बाकी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी आजकल चहल पहल है जो आपको 31 तक देखने को मिलेगी, बल्कि न्यू ईयर पर 1-2 दिन तक
इतनी ही चहल पहल आपको देखने को मिलेगी, और 31 तक तो इससे ज़्यादा ही चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से आने वाले 5-10 दिन तक तो मौसम साफ रहने वाला है। हल्के फुल्के किसी दिन बादल लगेंगे, लेकिन बाकी तो स्नोफॉल के चांसेस कम ही हैं। तो 31 के टाइम पे तो नैनीताल में स्नोफॉल होना पॉसिबल नहीं है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि 31 के टाइम पे आपको नैनीताल में स्नोफॉल देखने को मिलेगी, तो उसके चांसेस कम ही हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 31 में अगर आप लोग नैनीताल आना चाहते हैं तो अपने होटल पे पहले ही चेक कर ले कि पार्किंग की फैसिलिटी है या नहीं, वरना आपको नैनीताल से कुछ किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा और आपको वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी, और शटल सेवा के थ्रू आपको वहाँ से नैनीताल आपके होटल तक पहुँचाया जाएगा। तो इसलिए पहले ही आप चेक कर लें कि आपके होटल में पार्किंग की फैसिलिटी है या नहीं है। और नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही मैं आपके लिए देहरादून के ब्लॉग्स लाऊंगा। तो हो आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो भाई इसी जगह से हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो उस समय आपने देखा था कि मौसम साफ था, थोड़ा नीचे की तरफ आपको कोहरा देखने को मिल रहा था। तो अब नैनीताल में पूरे 24 घंटे बहुत अच्छी ठंड होने लगी है। तो अगर आप लोग नैनीताल आते हैं तो अपने साथ विंटर्स के कपड़े ज़रूर कैरी करें। तो अगर आप लोग 31 के टाइम पर नैनीताल आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप विंटर्स के कपड़े अपने साथ ज़रूर कैरी करें, और दूसरी चीज़ आप अपने जो होटल आपने बुक किया है वहाँ पर पता कर लें कि होटल में पार्किंग की फैसिलिटी है या नहीं, वरना आपको 10-12 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी गाड़ी को पार्क करके लोकल टैक्सी से आपको नैनीताल आपके होटल तक भेजा जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो है टूरिज़्म काफ़ी अच्छा खासा है नैनीताल में, तो बहुत अच्छी खासी चहल पहल, बहुत अच्छी खासी भीड़ है। तो अगर आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो आप नैनीताल के नियरेस्ट प्लेस पे भी जा सकते हैं, जैसे कि मुक्तेश्वर, भीमताल, सातताल वगैरह। लेकिन आपने नैनीताल ही अगर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है तो आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर इस बार भीड़ भाड़ मिलने वाली है। साल का ये मेरा लास्ट व्लॉग है, तो मिलते हैं आपसे अगले साल न्यू ईयर के बाद। तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और होती है आपसे अगले साल मुलाकात नए व्लॉग के साथ। और अगले साल स्टार्टिंग में ही मैं देहरादून विज़िट करने वाला हूं, तो आपको देहरादून के व्लॉग देखने को मिलेंगे। और थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। तो होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले आने वाले नए व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।